बरेली में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा देश की राष्ट्रपति को अपमानित करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया गया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। कोतवाली में मुकदमा लिखने की मांग की महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना ने बताया, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा देश की राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ अभद्र, अशोभनीय एवं अपमानजनक टिप्पणी एक सांसद के द्वारा की गई है। टिप्पणी ये साफ प्रदर्शित होता है कि नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस की क्या मानसिकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ की गई टिप्पणी से कड़े शब्दों में निंदा करता है। मांग करते हैं, भारत की सर्वोच्च पद पर आसीन एवं नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने वाली भारत राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता एवं सांसद अधीर चौधरी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। देख, क्या नाम है आपका? अमन सक्सेना, महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। क्या किस बात का विरोध किया जा रहा है, क्या मामला है? आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के सांसद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने हमारे राष्ट्रपति, मतलब हमारे क्या, पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं वो, उनके लिए कठपुतली या ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनसे राष्ट्रपत्नी कहा है पूरे देश के सामने, तो उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनके खिलाफ हम ये मांग करते हैं कि संघ से संघ, मतलब आप ये समझ लीजिए जितनी संगीन धारा हो सके उसमें मुकदमा दर्ज हो। और इतना आक्रोशित है युवा, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।